स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूं आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों अयोध्या नहीं जाएंगे राहुल गांधी। राहुल बोले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी और आरएसएस का फंक्शन है इसलिए वो नहीं जाएंगे। इसको राजनीतिक का एक कार्यक्रम बताते हुए उन्होंने मना कर दिया है और वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा पर निकल गए हैं। तो इस पर भी तमाम जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अयोध्या नहीं जाएंगे राहुल गांधी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। राहुल बोले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी आरएसएस का फंक्शन है इसे चुनावी फंक्शन उन्होंने बताया। बीजेपी बोली वो ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों में चल रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचे। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का फंक्शन है इसे पूरी तरह चुनावी क्लेवर दिया गया है। भाजपा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ख्याली दुनिया में जीते हैं। हिंदू धर्म के जो लीडर अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने भी वहां जाने से इनकार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी भी नहीं जाएंगे। जहां तक धर्म की बात है तो हम सभी धर्मों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने बताया कि ये बीजेपी का पर्सनल फंक्शन है और आरएसएस का, इसीलिए वो नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से जो भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। जो सचमुच धर्म को मानते हैं वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखते हैं। तो उन्होंने हालांकि कांग्रेस की तरफ से किसी को जाने से रोका नहीं है और ये उनका स्वयं का डिसीजन है। उनकी माताजी भी नहीं जा रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे फिर राहुल गांधी, ये तीनों ही बड़े नेता नहीं जाएंगे रामलला के दर्शन के 22 तारीख को। तो दोस्तों कांग्रेस ने एक तरीके से इस ये सब करके वॉक ओवर दिया है बीजेपी को, ऐसा लगता है। राहुल गांधी ने कहा अपने धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं अपने धर्म का सिद्धांतों पर जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं लोगों को की इज्जत करता हूं, अहंकार से नहीं बोलता, नफरत नहीं फैलाता। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है। हम नफरत और बटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम मोहब्बत और भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले मोहब्बत की दुकान भी खोली थी पहले भारत जोड़ो यात्रा पे। भारत के लोग काफ़ी समझदार हैं, भाजपा ने ये कहा। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल ख्याली दुनिया में जीते हैं। राम मंदिर को लेकर देश के कोने कोने में हिंदुओं की गहरी भावनाएं हैं। वो सोचते हैं कि जो कुछ झूठ वो बोलते हैं लोग उनमें आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। राहुल गांधी पर ये ऐसा इल्ज़ाम पहली बार नहीं लगा। नागालैंड में भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन की तस्वीर भी सामने आई थी जो कि उस पर वाटर मार्क होने के कारण हम नहीं दिखा पाएंगे यूट्यूब पे कॉपीराइट कारण। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी आसानी से सुलझा लेंगे ऐसा राहुल ने कहा। इंडिया की सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी ने अलायंस चुनाव जो लड़ रहा है इंडिया अलायंस, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी मतभेद नज़र आ रहा है क्योंकि मायावती पहले ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया। अखिलेश कुमार यादव के साथ यूपी में गठबंधन हो सकता है कांग्रेस पार्टी की। राहुल ने कहा कि पिछली यात्रा ऐतिहासिक रही है। उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ भी अलायंस की खबरें तेजी से बढ़ रही है दिल्ली और पंजाब में। राहुल ने कहा कि पिछली यात्रा ऐतिहासिक रही। राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली फिर यात्रा ऐतिहासिक रही। लोग ने उन्हें कहा कि ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की यात्रा होनी चाहिए, उसी के तहत वो न्याय भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। और दोस्तों जहाँ तक बात हुई रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़े लीडर नहीं जाएंगे। जहाँ की महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हरभजन सिंह, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून सभी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में और देश से कुल 6000 एक तरीके से VIP वहाँ पे पधारेंगे। वहाँ पे अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि जो इस कार्यक्रम में शंकराचार्य पधारेंगे या नहीं। आप लोगों की क्या राय है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों को रामलला के दर्शन के लिए और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना चाहिए या नहीं, जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में।